आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे घर के कामों से भी आप अपना फैट ज्यादा से ज्यादा घटा सकते हैं बिना हैवी एक्सरसाइज किए हुए भी। सिर्फ एक बोल ठंडे पानी को लेना है, अपना मुंह डालना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है या फिर ठंडे पानी से नहाना है, तो भी आपका फैट तेजी से बर्न होना शुरू हो जाता है। ये कैसे होगा जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल सही बात है और ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी हो चुका है। जो चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, फैट घटाने का तरीका बिना ज्यादा एक्सरसाइज किए, बिना हैवी एक्सरसाइज किए। दो एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी लास्ट में कि आप जितना ज्यादा उनको करते हैं, मतलब जितना भी टाइम निकाल के कर पाते हो, उतना ही आपका पेट कम होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज आप नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप अपने घर के काम कर रहे हैं, मतलब बिजी है, आपका रूटीन बहुत बिजी है, आप करते फिरते रहते हैं, जैसे चलने फिरने का काम होता है घर में, अपने कपड़े धो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उसमें भी आपका बहुत सारा फैट बर्न होता है। ये बात अलग है कि आप ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं, जब आपको बहुत तेज भूख लगती है ना घर का काम करने के बाद, फिर हम ये नहीं सोचते कि हम कितना खा रहे हैं और टीवी देखते देखते भी हमेशा ज्यादा खा जाते हैं, यानी जितनी कैलोरी आपने बर्न की उससे ज्यादा आप खा गए, कई गुना ज्यादा आप खा जाते हो। जैसे कि बात करें, आप कहेंगे हमने 3 रोटी खाई है, लेकिन 3 रोटी के ऊपर आपने घी लगाया था, फिर आप आलू की सब्जी भी खा रहे हैं, फिर उसके साथ दही भी ऐड करी थी उसमें, तो ये चीजें हम काउंट नहीं करते, उसमें बहुत हाई कैलोरी चली जाती है। और 3 रोटी की बात करें, व्हीट रोटी जो हम खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होती है, कम से कम जब घी लगी हुई रोटी खाते हैं ना, 100 के ऊपर कैलोरी की हो जाती है सिर्फ एक रोटी। और कुछ घरों में तो इतनी मोटी मोटी और इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनती है कि एक रोटी से इंसान का पेट भर जाए, लेकिन हमें क्या आदत हो जाती है कि नहीं ज्यादा भूख लगे तो 2-3 तो हमें खाने ही चाहिए, तो नॉर्मल है, 2-3 खा ली तो कौन सा बड़ी बात होगी। चलिए ये होगी नॉर्मल सी बातें। अगर आप अपनी डाइट को ध्यान में रख के चलते हैं, सही डाइट लेते हैं, तो आप घर के कामों से ही अपना ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ वॉकिंग से भी आपका फैट बर्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए 10,000 स्टेप आपको रोज कवर करने होंगे, यानी 6-7 किलोमीटर दूरी आपको रोज चलनी होगी। और अगर इसके ऊपर आप जाते हो तो 30 ग्राम फैट आप सही सुन रहे हैं, आप डेली बर्न करते हो। वही चीज आ गई अब दोबारा से, वो बात अलग है कि कितना खा रहे हो आप, फिर कितनी कैलोरी अपने अंदर डाल रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, वो मैटर करता है। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी मुंह में डाल रहे हो, बच्चे ने एक टॉफी आपको ला कर दे दी, 2-3 टॉफी आप बैठे बैठे खा गए, वो बात अलग है कि वो दिखता नहीं है। आप ये तो मानते हो कि 10,000 स्टेप मैं तो रोज कवर करती हूँ, लेकिन फिर खा क्या रहे हो, वो मैटर करता है कि आपका फैट आपको घटता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये बात तय है। अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत सारा टाइम चला जाता है 10,000 स्टेप फॉलो करने में, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगी जिनके आपको स्टेप फॉलो करने अपने अकॉर्डिंग, आपको जब भी समय मिलता है आप वो स्टेप फॉलो करिए। 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप करोगे ना उतना आपका टमी अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने खुद पर फॉलो करी है और आज भी करती हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता है। एक चीज और मैटर करती है, हमारी बॉडी में ब्राउन फैट सेल होते हैं। अगर आपको तेजी से फैट बर्न करना है तो अपनी बॉडी के जो ब्राउन फैट सेल होते हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा। अब ये कब एक्टिव होते हैं, जब हमें ठंड लगती है, हम ऐसे कांपने लगते हैं, तब ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी को गर्मी देने के लिए। अब जितना ज्यादा ब्राउन फैट सेल एक्टिव होते हैं उतना ही हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और उसमें मोर कैलोरी चाहिए होती है, यानी वो फैट से कैलोरी खींचने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। यानी आपको एक काम और करना है, घर में जो भी आपका पानी हो नॉर्मल टेम्परेचर का, उससे नहाना शुरू कर दीजिए। कई लेडीज को या जेंट्स को मैंने देखा वो हमेशा गर्म पानी से नहाते, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको गर्म पानी से ही नहाना है। अगर ठंडे पानी से आप नहाते हैं, बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे, आपका फैट भी उससे कम होता है, ये बात साइंटिफिक प्रूव हो चुकी है। अब दूसरी बात पे आते हैं, आपको क्या करना है अगर आप ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। दूसरी चीज और भी है कि आप पानी में बर्फ डाल सकते हैं, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया भी है कि आप कोल्ड वाटर में अगर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, जैसे एक टब ले लिया, उसमें थोड़ी सी बर्फ की टुकड़ियां डाल दी, वो ठंडा हो गया, और उसमें अगर बैठते हैं आप जैसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए,
और आपकी बॉडी में शिवरिंग पैदा होती है, आप कांपने लगते हैं, तो उससे ब्राउन फैट सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपका फैट बहुत ज्यादा तेजी से बर्न होता है। अब ऐसा हम नॉर्मल नहीं कर सकते, ठीक है, हम जो नॉर्मल पानी होता है उससे नहा लेते हैं, बस इतना हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसे बर्फ के पानी में तो नहीं बैठ सकते, बहुत सारे लोगों के पास तो टब भी नहीं होता। तो आप एक काम करना है, हमारा जो फेस होता है उस पर कोल्ड रिसेप्टर होते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में हम अपना फेस लाते हैं, फेस को डुबोते हैं, तो ये एकदम से सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन क्या सिग्नल बॉडी में भेजता है कि ब्राउन फैट सेल को एक्टिव कर दो, बॉडी को ठंड लग रही है। ये काम तब होता है जब हम एक बोल पानी लेते हैं और उसमें डालते हैं कुछ बर्फ की स्लाइसेस, कुछ टुकड़ियां इस तरीके से डाल दीजिए। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अब इसमें अपने फेस को डालना है। अब आप कहेंगे कि ये तो वो वाली टेक्निक है कि फेस की स्किन को टाइट करना है, रिंकल्स को दूर भगाना है, एजिंग से दूर रहना है। नहीं जी, ठीक है, वो चीज भी होती है, लेकिन इससे आप अपना फैट भी बर्न कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ठंडे पानी में अपना मुंह डाल के आपको दिखाऊंगी कि आपको भी कैसे करना है। अब ये पानी थोड़ा ठंडा हो चुका, और एक चीज का और ध्यान रखना है, जितना ठंडा आप सहन कर सकते हो पहली बार में उतना ठंडा ही आपने लेना है, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं कर लेना है ताकि आप सहन ही ना कर सको, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा करते जाना है। जैसे गर्मियां आती हैं तो धीरे धीरे उसका ठंडापन बढ़ाते जाना है ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ और आसानी से बहुत ज्यादा अगर ठंडा पानी भी हो तो भी आप सहन कर पाओ। तो जैसे कि ये पानी ठंडा हो चुका है, ये बर्फ की मैंने स्लाइसेस में डाल दी थी, काफी घुल भी गई है इसमें, ये देखिए काफी ठंडा हो चुका है, इनको निकाल देते हैं और चलिए देखते हैं कि मैं भी कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं कर लेती हूँ नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सांसें लेनी है, सांस फूली हुई ना हो इस चीज का ध्यान रखें, उसके बाद सांस भरनी है। ज्यादा ठंडा नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, अगली बार ज्यादा ठंडा रखूंगी। सांसें भरिए, वाओ। तो पहले तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठंडे पानी में मुंह को डालना है और अपने कोल्ड रिसेप्टर्स को एक्टिव करना है ताकि आपके ब्राउन फैट सेल भी एक्टिव हो सके और आपका फैट बर्न हो सके, फैट बर्न होने की तरफ शुरू हो जाए। तो इस तरीके से मैंने ये टेक्निक आपको बताई, और जैसे कि मैंने बताया कि ठंडे पानी से भी नहाना आज से ही शुरू कर देना है। अब चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, कि कौन सी वो दो एक्सरसाइज है जो कि हमारा जल्दी से जल्दी पेट को कम करती है। जैसे आप वॉकिंग नहीं कर सकते, 10,000 स्टेप फॉलो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, अभी बता देती हूँ क्या करना है बेड पे लेट के ही। तो इस तरीके से आप बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं या मैट के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, हल्का सा पीछे की तरफ आपको ऐसे हो जाना है, और हाँ, इससे पहले वार्म अप जरूर कर ले ताकि आपकी कोई खींचातानी ना हो जाए बॉडी में। इस तरीके से आपको हो जाना है। अब आपको एक लेग को ऐसे बेंड करके ऐसे पकड़ना है, फिर आपको दूसरी लेग से करना है। तो चलिए कंटिन्यू करके दिखाती हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हमने किए टोटल 100 रेपिटेशन। तो सोचिए आप 100 रेपिटेशन एक बार में अगर कर सकते हैं तो तीन बार एक्सरसाइज करते हो ना तो 300 रेपिटेशन तो आप कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितना आप 300 रेपिटेशन करने में आपकी बॉडी का जोर लग रहा है ना उतना ही जोर आप 4000 स्टेप जैसे वॉक करते हैं तो उससे ज़्यादा जोर इसमें लगता है, उससे ज़्यादा कैलोरी आप इस एक्सरसाइज को करने से बर्न कर लेते हो। जितने ज़्यादा स्टेप करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है उतने ही ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाएगी। आप सेकेंड एक्सरसाइज इसी के जैसी देख लीजिए जिससे भी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको लेट जाना है। आप हिप्स के नीचे हाथ भी रख सकते हैं अगर किसी कमर में दर्द है, और इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर उठाना है और ऐसे इस तरीके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेग्स पूरी बर्न हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब बस इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हमने 100 रेपिटेशन कवर कर दिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी 100 रेपिटेशन एक ही बार में कंप्लीट कर रहे हैं। आप 20 रेपिटेशन करिए, 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, 20 फिर करिए, 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा रेपिटेशन करोगे दिन में टाइम निकाल निकाल के तब भी आप करते रहते हो तो बहुत जल्दी आपका बेली फैट तो कम होगा ही होगा, ओवरऑल बॉडी का फैट कम होने लगेगा। आपको ये परेशानी नहीं रहेगी कि हमें भी एक्सरसाइज करनी थी, अब फैट कैसे कम होगा, अब हम क्या करें। सिर्फ दो एक्सरसाइज को फॉलो करिए और आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 10,000 स्टेप कंप्लीट करने थे जो कि आप नहीं कर पाते हो टाइम की वजह से। तो इस परेशानी से भी आप छूट सकते हो बेड पे लेटे लेटे आसानी से इन दो एक्सरसाइज को फॉलो करके, और साथ में ही अपने मुंह को ठंडे पानी में डुबो करके भी आप अपने फैट को तेजी से बर्न कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करें, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।